आज पढ़ेंगे हम पार्ट 8 का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4। देखिए पहला सवाल दिया गया है कि प्रश्न एक में त्रिकोणमिति अनुपातों में साइन ए कॉस ए और टैन ए को के कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन ए का मान जो कॉट के रूप में ज्ञात करना है और कॉस का भी कॉट के रूप में ज्ञात करना है, फिर टैन का भी कॉट के रूप में आंसर आना चाहिए। तीनों का कॉट के रूप में आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखिए अब कैसे या देखो क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको हम ले लेते हैं क्या साइन ए। चलिए पहला ले लेते हैं एक, क्या दिया गया है साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए को किसमें, देखिए बदल सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर अंडर रूट अगर हम लगा दें इसको साइन स्क्वायर में बदल जाएगा ये साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए क्या होता है जो क्या होता है, देखिए लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है एक बटे कॉस, कॉस एक ये होता है कि नहीं, ये देखो इसकी चीज के में हम चेंज कर लेंगे, लिखेंगे अंडर रूट पूरे में अंडर रूट लगाएंगे एक बटे कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, आगे देखिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कि नहीं, ये तो आप जानते हैं। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे क्या एक बटे में एक प्लस क्या कॉट स्क्वायर ए, देखिए कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए बदल गया कि नहीं, अब देखिए ये तो कॉट में आ गया कि नहीं आंसर, देखिए कॉट में आया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉट क्या लिख सकते हैं एक प्लस कॉट ए, इसको लिख सकते हैं हम कि या तो ऐसे ही रहने दीजिए, लिख सकते हैं कितना एक अंडर रूट एक प्लस कॉट स्क्वायर ए तो होगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर बस। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। कॉस ए का मान याद करना है, कॉस ए का मान याद करना है, कॉस ए का कॉट ए के पदों में हमको याद करना है, तो इसको भी देखिए बदलेंगे। सबसे पहले अगर हम इसको कॉस को साइन में बदलें, साइन फिर एक बटे कॉस में बदल दें, कॉस क्या होता है कॉट में होता है कॉट में, तो कॉट में देखिए बदल जाएगा कि नहीं, तो लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे बराबर क्या इसको इसके बराबर क्या लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस स्क्वायर होगा कि नहीं, अगर अंडर रूट हटाएंगे तो कॉस में बदल जाएगा, अंडर रूट लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए है, इसको क्या लिख सकते हैं एक माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं, कस एक माइनस साइन स्क्वायर स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, देखिए क्या होता है यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि क्या होता है एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये देखो फार्मूला है, फार्मूला में देखिए ये होता है कि नहीं, देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर माइनस एक माइनस साइन स्क्वायर ए, यही होता है ना। आप देखिए क्या, अब इतना तो हो गया, अब इसको क्या करेंगे हम कॉस में बदल देंगे कॉसेक में एक बटे कॉसेक में, चलिए बदल देते हैं एक माइनस एक बटे कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसका गुणा आप देखिए इसका गुणा हम क्या किसमें करेंगे कॉसेक स्क्वायर ए है, और कॉसेक स्क्वायर देखिए कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, जो कि लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कि नहीं, ये भी एक फार्मूला है पढ़े हैं आपने। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लगा लेते हैं ऐसे, देखिए अब यहाँ से है अब इसका मान कितना होगा अंडर रूट एक माइनस एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा एक प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस का चिन्ह लगाएंगे एक, ठीक बटे में एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखिए एक से कैंसिल कितना बचा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो कितना बचेगा कॉट ए, और बटे में कितना अंडर रूट एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखिए आपका होगा यही आंसर, देखिए कॉट के रूप में आ गया आंसर, हमको कॉट के रूप कॉट के पदों में व्यक्त करना है, कॉट के रूप में व्यक्त करना है, देखिए आया कि नहीं यही कॉट के रूप में, देखिए आंसर आ गया आपका। ऐसे ही हम सवाल को हल करेंगे, और ये टेन वाला जो है आप अपने से खुद हल करिए, ठीक है इसको आप खुद हल करिए, ये आपका हो गया होमवर्क। प्रश्न दूसरा देखेंगे, दिया गया है कि कोण एक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए, मतलब साइन ए कॉस ए
टेन ए कॉट ए कॉसेक ए का सभी मान जो क्या करना है सेक में ज्ञात करना है, सेक में ज्ञात करना है ठीक है। पहले सवाल में क्या करना था उसको हमको किसमें ज्ञात करना था, कॉट में ज्ञात करना था ना सर, कॉट ए में ज्ञात करना था, और इसमें किसमें ज्ञात करना है सेक में ज्ञात करना ठीक है। अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, साइन ए, साइन ए का मान सबसे पहले चलिए निकाल लेते हैं, तो साइन ए का पहले निकाल लेते हैं, इसको पहले मान लेते हैं ना, साइन ए का निकालेंगे अगर तो क्या आएगा, देखिए इसको हम किस में बदल सकते हैं साइन ए को, सबसे पहले अंडर रूट में बदलेंगे, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा पहले ठीक है, इसको पहले अंडर रूट बदल लीजिए क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे हम बदल सकते हैं क्योंकि लिख सकते हैं एक माइनस कॉस स्क्वायर ए का होता ना, चूँकि क्या सूत्र होता है एक प्लस क्या होता है एक प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है ना यही सूत्र, तो देखिए इस पर हम इसको रख सकते हैं एक माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए का क्या सूत्र होता है कॉस का, कॉस को बटे एक बटे सेक कर सकते हैं कि नहीं, देखिए क्या होता है कॉस ए बराबर एक बटे सेक ए, तो बदल देंगे इसी में एक माइनस एक बटे सेक स्क्वायर ए, यहाँ तक समझ में तो आ गया होगा। देखिए फिर क्या बदलेंगे सेक स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटे में सेक स्क्वायर ए ठीक है, सेक स्क्वायर ए देखिए अंडर रूट से अगर इसको हटा दें सेक को हटा दें तो कितना आएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटे में सेक ए, तो ये देखिए सेक में आ गया, सेक में हमको ज्ञात करना था, ये होगा आपका आंसर। देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को हल कर दिया है, इसी प्रकार से अगला भी हम ज्ञात करेंगे, कॉस का चलिए निकाल लेते हैं, कॉस ए का मान निकालेंगे। देखिए आप सबको तो पता ही होगा कि कॉस ए बराबर क्या होता है एक बटे सेक ए, देखिए यहीं पर सेक आ गया तो मतलब देखिए यही फार्मूला उठा के इस पर हम रख लेंगे, तो कॉस ए बराबर एक बटे सेक ए, यही आपका क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पर तो देखिए ये इतना ही आंसर आ गया, सेक हमको ज्ञात करना था सेक में आ गया ठीक है। अब हम क्या हमको क्या ज्ञात करना है, अब तीसरा देखिए क्या सेक कॉस साइन हो गया कॉस हो गया, अब हम ज्ञात करेंगे क्या टेन, तीसरा है टेन, टेन ए का ज्ञात कर लेंगे। देखिए अब टेन ए है, टेन को सेक में बदलेंगे कैसे, देखिए इसको सबसे पहले क्या काम करेंगे अंडर रूट में बदल लेंगे अंडर रूट स्क्वायर ए, फिर देखिए सूत्र क्या होता है आपको सब पता होगा कि क्या होता है सेक स्क्वायर ए बराबर माइनस एक बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर ए, ये तो फार्मूला याद ही होगा आप सबको। अब देखिए इसको हम यहाँ पे रख देंगे, क्या होगा ए सेक स्क्वायर ए माइनस वन, देखिए सेक में हमको लाना था सेक में आ गया, ये होगा आपका ऐसे, इसी प्रकार से क्वेश्चनों को हम हल करते जाएंगे। अब क्या बचा आपका कॉसेक कॉसेक ए, कॉसेक ए कॉसेक ए का निकालेंगे, चलिए देखिए कॉसेक ए सबसे पहले हम इसमें बदलेंगे क्या अंडर रूट में, चलिए बदल लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, अब कॉसेक स्क्वायर है जो कि क्या आप जानते हैं कि क्या एक प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ये तो पता ही होगा। अब इस कॉसेक ए का मान जो है इसमें हम चलिए रख लेते हैं, चलिए रखेंगे अब तो क्या होगा अंडर रूट में एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखिए अब हमको लेकिन लाना है तो सेक में लाना है आंसर, चलिए अब इसका कॉट को हम किस में बदल लेंगे टेन में, चूँकि आप जानते हैं कि कॉट ए बराबर क्या होता है टेन ए, टेन ए तो टेन ए हम यहाँ पर रख देंगे अंडर एक प्लस एक बटे में टेन स्क्वायर ए ठीक है। अब चलिए इस यहीं पर देखिए लगा लेते हैं, अगर इसको देखिए टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस ए, ये तो फार्मूला है उसी फार्मूले पे हम इसको भी रख देंगे, चलिए सेक लाना है तो फार्मूले को लगा के कैसे करके हमको सेक लेकर आएंगे, देखिए एक प्लस एक बटे सेक स्क्वायर ए माइनस वन, देखिए आ गया ना सेक में आंसर, तो ये हो गया आपका आंसर, बस कुछ करना नहीं है, बस देखिए फार्मूला याद रहना चाहिए आपको अच्छे से, फिर देखिए रखना है बस रखते चले जाना है, आपका आंसर अपने आप चला आएगा ठीक है।
इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। आप निकाल लेते हैं लास्ट कॉट का बचा है, कॉस्ट का कॉट का हम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट में बदलेंगे। सबसे पहले अंडर रूट में बदल लेते हैं। चलिए बदल लेंगे कॉट स्क्वायर ए, चूँकि आपको पता है कि कॉट ए बराबर क्या होता है, एक बटे टेन ए, और टेन ए बराबर क्या होता है, एक बटे कॉट, सॉरी कॉट ए बराबर क्या होता है, टेन ए, टेन ए होता है ना। ठीक, अब इसको हम क्या रखेंगे, इसे ही हम रख देंगे बटे में, एक बटे में टेन स्क्वायर ए। अब रखेंगे टेन ए का मान रखेंगे, चलिए रख देते हैं एक बटे में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर माइनस वन। देखिए आपका यही आ गया आंसर, ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। देखिए ठीक दिया गया है कि साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे में कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश, देखिए दिया गया है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर 63 अंश दिया गया है, दोनों साइन साइन में है, यहाँ कॉस कॉस में है। अगर देखिए एक को हम कॉस को कॉस में बदल लें, ठीक है, 27 अगर कॉस में बदलेंगे तो 90 माइनस क्या होगा, 27 होगा, और 90 में 27 घटेगा तो कितना आएगा, 63 अंश आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 63 अंश। इसमें भी देखिए एक को हम साइन में बदल लेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस अगर हम इसको साइन स्क्वायर 90 अंश माइनस 73 कर दें तो कितना आएगा, साइन तो साइन कितना आएगा, 70 अंश। देखिए ये भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक। देखिए उस फार्मूले में आपका ये सवाल बन जाएगा तो एक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए रखते हैं, चूँकि आप जानते हैं कि क्या जानते हैं, देखिए लिख लेंगे यहीं पर कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 अंश माइनस थीटा। ठीक, आपने 8.2 चैप्टर में ये सवाल पढ़ लिए होंगे। देखें लिखेंगे क्या, अगर आपने हमारा वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर से देखिए। तो देखिए लिखा गया है कि साइन 63 अंश, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस, देखिए कॉस में बदलेगा, कॉस स्क्वायर 90 अंश माइनस 27 अंश बटे में कॉस स्क्वायर 17 अंश। चलिए इसके हम साइन में बदल लेते हैं, इसको हम साइन में बदलेंगे तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 अंश, क्योंकि क्या होता है, देखिए कॉस को बदलेंगे अगर हम साइन में, कॉस थीटा को बदलेंगे इसमें साइन में, तो साइन 90 अंश माइनस थीटा होता है, देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना हो गया, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से 27 घटाएंगे तो आएगा आपका 63 अंश, कॉस यहाँ बचा कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस साइन स्क्वायर 90 में से 73 बचाएंगे घटाएंगे तो आएगा साइन स्क्वायर 17 अंश। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर 63 अंश मतलब साइन ए और साइन बी भी, मतलब ये सब कॉस बी, ये दोनों क्या बराबर, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, एक। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर एक, कटा एक एक बराबर कितना है आपका आंसर, एक। तो ये होगा आपका आंसर, देखिए कितनी आसानी से इस सवाल को हमने हल कर दिया है। तो इसी प्रकार से हम अगला भी क्वेश्चन को हल करेंगे। दिया गया कि साइन 25 अंश कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश साइन 65 अंश का मान याद कीजिए। देखिए इस सवाल में देखिए कैसे लगाएंगे कि साइन 25 अंश दिया, यहाँ पे कॉस 65 अंश, अगर इसको हम कॉस में जब बदलेंगे 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 माइनस 25 तो 65 आ जाएंगे, दोनों सेम मिल जाएंगे। इसको भी देखिए कॉस 25 अंश है साइन 65 अंश, अगर इसको हम साइन में बदल दें, ठीक है, अगर इसको साइन में बदल दें तो 90 माइनस 25 होगा तो कितना साइन 65 अंश में ये भी हो जाएगा, तो साइन साइन कितना स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बी और साइन देखिए कॉस स्क्वायर ए, देखिए दोनों फार्मूला बन जाएगा आपके, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर एक, देखिए फार्मूला में आ जाएगा आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं क्या साइन को बदलना है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस कॉस क्या होता है, कॉस 90 अंश माइनस 90 अंश माइनस थीटा होता है, ये तो आपको सबको पता है, और लिखेंगे क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा थीटा साइन 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 बराबर 90 अंश माइनस
थीटा होता है। देखो आपको सबको पता ही है। अब सवाल में हम रखेंगे, देखिए साइन 25 अंश है, साइन 25 को किस में बदलेंगे, कॉस में। कॉस 90 अंश माइनस 25, यहाँ पे कितना है कॉस 65 अंश, प्लस है, प्लस लगाएंगे कॉस 25 है, देखेंगे किस में बदलेगा, साइन में। साइन 90 अंश माइनस 25 अंश, यहाँ पे साइन 65 अंश है, तो इसको हम इसी तरह से हम लिख देंगे। ये घटाएंगे कॉस 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आएंगे, तो कॉस 65 अंश, यहाँ भी कॉस 65 अंश है, प्लस साइन 90 में से 25 घटाएंगे कितने आएंगे आपके आंसर 65, और साइन यहाँ पे 65 अंश तो है ही। देखिए दोनों सेम सेम है, तो कॉस 65 अंश बराबर हो जाएगा, कॉस गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर 65 अंश। यहाँ पर भी देखिए साइन स्क्वायर 65 अंश, देखिए इसके दोनों बराबर क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ए बराबर क्या होता है एक, देखो आपको पता ही है, इतना बराबर क्या होगा आपका आंसर एक, यही आपका होगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सवाल कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला सवाल दिया गया 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर बी बराबर क्या होगा, एक होगा कि 9 होगा कि 8 होगा कि 0 होगा। सबसे पहले इसको हम हल कर लेंगे, तो सवाल क्या दिया गया है, देखिए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर बी, देखिए दोनों में हम कॉमन क्या मिल रहा है, 9 9, देखिए 9 इसमें भी मिल रहा है 9 इसमें भी कॉमन मिल रहा है, तो 9 9 को हम कॉमन ले लेंगे, बचा हुआ कितना sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। ठीक है, tan स्क्वायर बी देखिए क्या होता है, tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी बराबर आपका क्या होता है एक होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी बराबर क्या होता है आपका एक होता है, 9 इसके बराबर एक, 9 1 कम 9 9 1 कम 9, आपका आंसर कितना आया 9, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, विकल्प बी क्या है सही आपका है। ठीक है, विकल्प आपका बेस क्या है सही है, ये होगा आपका सवाल दिया गया दूसरा कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रेकेट वन फिर ब्रेकेट में दिया गया दूसरे ब्रेकेट में 1 प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा का मान याद कीजिए। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, दोनों अलग अलग ब्रेकेट में दिया गया है, बीच में गुणा का चिन्ह है, ठीक है गुणा है, देखिए सबसे पहले इसका गुणा हम इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, फिर एक का गुणा कॉट में, एक गुणा का कॉसेक में, फिर टेन का गुणा एक में, टेन का गुणा कॉट में, टेन का गुणा कॉसेक में, इसी प्रकार से इसका भी सेक का तीनों में हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक का इसमें गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, ध्यान से देखिएगा, अब एक का गुणा कॉट में करेंगे तो प्लस कॉट थीटा आएगा, अब देखिए एक गुणा माइनस कॉस सेक में करना तो माइनस कॉस सेक थीटा आ गया, अब प्लस यहाँ प्लस टेन के एक में करेंगे तो कितना आएगा टेन थीटा, और टेन थीटा का कॉट में करेंगे तो प्लस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब क्या बचा है टेन थीटा का कॉस सेक में करेंगे तो माइनस माइनस टेन थीटा और कॉस सेक थीटा है आपका, फिर अब सेक करेंगे एक में, सेक करेंगे एक में तो प्लस sec थीटा, sec का cot में करेंगे तो प्लस sec थीटा और cot थीटा, अब देखिए cosec के cosec में करेंगे तो माइनस आएगा sec थीटा और इंटू cosec थीटा। ठीक है, देखिए इतना तो आया होगा आपको समझ में, अब फिर देखिए अब एक प्लस cot थीटा, cot थीटा का मान क्या होता है, देखिए लिखेंगे एक प्लस cot थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस बटे में साइन थीटा, सबको पता ही है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा का मान क्या होता है एक बटे में साइन थीटा, ये तो पता होगा आपको, प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, देखिए प्लस टेन थीटा कॉस थीटा का मान कितना होता है एक होता है, क्यों क्यों एक होता है, देखिए कितना दिया है टेन, यहाँ पर देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा देखिए इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है एक बटे टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल बचा आपका एक, इसीलिए टेन इसका मान क्या होता है एक ही होता है, माइनस कितना बचा टेन थीटा, टेन थीटा का मान कितना है देखिए लिखेंगे क्या, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है एक बटे साइन थीटा प्लस
सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे कॉस थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, तो सबको पता है माइनस सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे कॉस थीटा गुणे में कॉस थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिए सवाल को, बहुत ही बड़ा है। फिर देखिए ध्यान देखिए देखिए ध्यान से देखिए, इसमें तो कुछ कट तो नहीं रहा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा है ना, साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, फिर यहाँ पे गुड़े का चिन्ह ना, सॉरी यहाँ पे गुड़े का चिन्ह है नहीं, सॉरी यहाँ माइनस है ना, हाँ यहाँ पर माइनस देखिए है, और कॉस से कॉस कैंसिल। ठीक है, ये बचा क्या आपका, ये लिख लीजिए पहले, एक प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस एक बटे क्या है, साइन थीटा एक बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस, देखिए एक बचा है आपका, यहाँ पे साइन साइन थीटा कटा तो एक, यहाँ एक बचा, एक का गुणा एक में होगा तो माइनस एक, कॉस का एक में होगा तो कॉस थीटा, यहाँ पर कितना बचा, एक प्लस कॉस थीटा, और देखिए यहाँ से अब प्लस कितना यहाँ पर बचा, प्लस एक बटे साइन थीटा, एक प्लस एक बटे साइन थीटा माइनस एक बटे कॉस का साइन में गुणा होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा आपका। ठीक है, देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं, इसमें देखेंगे एक माइनस यहाँ एक बटे साइन में, यहाँ प्लस में है, ये भी देखिए कट गया, यहाँ माइनस में एक बटे कॉस, यहाँ भी प्लस में, ये भी कट गया। देखिए बचा क्या है आपका, एक प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस एक और माइनस एक बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा। एक एक कितना ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा दो, एक एक दो यहाँ पे लिख लेंगे, फिर कितना हो जाएगा प्लस, प्लस कितना हो जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, चलिए लिखेंगे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस एक बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आपका यही बचा। देखिए अब इसका क्या करने लेंगे, तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, दो प्लस चलिए ले लेते हैं, तो आएगा कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन के इसमें गुणा करेंगे तो साइन कट जाएगा, कॉस बचा, कॉस का ऊपर गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस कट जाएगा साइन बचेगा, साइन उसका में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे दोनों कट जाएगा बचेगा एक, एक का एक में गुणा करेंगे तो आएगा एक, टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, एक माइनस कितना एक, यहाँ पर कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक एक कितना हो गया जीरो, एक एक कितना होगा आपका जीरो, टू प्लस जीरो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देखिए इसका पूरा भाग इसमें करेंगे तो आएगा जीरो, टू प्लस जीरो बराबर कितना आया आपका आंसर टू, ये होगा आपका आंसर। तो विकल्प कौन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला सॉरी तीसरा, सी सी ऑप्शन आपका सही है, सी सही है। देखिए कितनी आसान से आप, हमने आपको समझा दिया है, इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए एक ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट बंद, एक ब्रैकेट में एक माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद, ये इतना देखिए दिया गया है, इसमें भी दो चीज़ दिया, देखिए सेक ए प्लस टेन ए का मान क्या होता है, सबसे पहले लिख निकालेंगे, देखिए क्या होता है सेक ए, लिख लेते हैं सवाल टेन ए, एक माइनस साइन ए है ना आपका सवाल, सेक के बराबर क्या होता है कॉस ए होता है, प्लस टेन ए मान क्या होता है पता है सबको, साइन ए बटे में कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे कितना है एक साइन ए आपका है, इसका हम क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, चलिए ले लेते हैं, कितना बचा कॉस ए, कॉस का कॉस में गुणा करेंगे तो आएगा एक प्लस कितना आएगा कॉस एक, इसमें गुणा करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पर आएगा साइन ए, यहाँ पे आप एक माइनस साइन ए है। ठीक है, अब देखिए
इसका आप धीरे गुणा कर लेंगे, इसका हम इसमें गुणा कर लेंगे, तो एक का गुणा एक में होगा तो एक आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन गुणा साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, बचा कितना है ऊपर नीचे कॉस ए, ठीक है। तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, देखिए एक कॉस से कॉस कटा आपका बचा कितना कॉस ए, यही होगा आपका आंसर। विकल्प देखिए आपका कौन सही हो रहा है, डी, विकल्प कौन सा सही है, डी, तो ये होगा आपका आंसर। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे, है दिया गया है एक प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में एक प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए कि माइनस से कि कॉट स्क्वायर है कि टेन स्क्वायर ए के बराबर है, इसमें कौन सा आपका विकल्प सही होगा। देखिए क्या दिया गया है सवाल में, पहले लिख लीजिए टेन स्क्वायर ए बटे में एक प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है कॉट स्क्वायर है ये, ठीक है बराबर। अब देखिए इसके बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए पता है सबको, एक प्लस कॉट स्क्वायर जो कि क्या होता है ना, यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और एक प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर आपका क्या होता है कॉस सेक स्क्वायर ए, ठीक है अब यही फार्मूला हम इसमें रख देंगे। और एक प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या क्या मान होता है कॉस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए आगे करेंगे सवाल को, तो यहाँ पर देखिए सेक ए सेक सेक का मान क्या होता है, जो कि सेक का मान होता है क्या एक बटे कॉस, और किसका मान कॉस का मान क्या होता है कॉसेक का, कॉसेक ए का मान क्या होगा एक बटे साइन ए, ये तो पता है सबको, ठीक है। अब इसको मान हम यहाँ पर रख देंगे, चलिए रखते हैं सेक का मान कितना होगा एक बटे कॉस स्क्वायर ए बटे में एक बट्टे में साइन स्क्वायर ए, देखिए अब इस इसका गुणा, देखिए गुणा नहीं इसको इस ये बट्टे में ये कहाँ पर आएगा यहाँ पे चला जाएगा आपका और एक यहाँ पे, ठीक है। इस कैसे किया जाता है आपको पता होगा ये, ठीक है, या फिर देखिए क्या आएगा आपका आंसर, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, आया कितना आपका आंसर, देखिए साइन बट साइन ए कपल बटे में कॉस ए बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर ए, तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे।